नमस्कार, मैं हूं भोला वर्मा और आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क। सवाल कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, सवाल कि कौन बनेगा 403 विधानसभा सीटों पे सबसे ज्यादा सीटों का हकदार, और यही सवाल कि कौन होगा सहारनपुर से विधायक, यही जानने के लिए मौजूद हूं सहारनपुर में। और इस समय मुस्लिम समाज के तमाम लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर अब की बार कौन है इन लोगों के दिल में। शुरुआत सर आपसे करना चाहें, क्या नाम है सर आपका? मेरा शहजाद हसन है जी। शहजाद जी, कैसे देख रहे हैं? उम्रदराज व्यक्ति हैं, 2012 के भी चुनाव हुए, 2017 के भी हुए, आखिर अब सहारनपुर का विधायक कौन? सहारनपुर का विधायक संजय गर्ग बनेगा और हम वोट उसे देंगे। हमारे भाई मंसूर खड़े हैं यहाँ पे, जिस पार्टी को ये कह देंगे हम तैयार है पूरा मेला, उसे वोट देंगे। वैसे समाजवादी की वजह है। इन्होंने बताया कि अखिलेश यादव का इनके दिल में सम्मान है, उन्हीं के लिए जगह है, लेकिन सवाल है कि सहारनपुर की जनता अब की बार किसे चुन रही है? क्योंकि सहारनपुर के इतिहास बात करें तो यहाँ का विधायक हमेशा सत्ता का विपरीत बनता है, चाहे कोई सी भी सरकार। देखिए, मैं मुसलमान हूँ और मेरा इस्लाम ये कहता है, ये शिर्क है कि ये चीज़ मानना कि विधायक सत्ता का बनता है या नहीं बनता है। हमारा दो तीन चीज़ें मेरी भारतीय जनता पार्टी से मेरा प्रश्न है। वो जो लोग 80 और 20 करते हैं, अगर हमें 20 में समझते हैं, इस पूर्व की सरकार में सबसे ज़्यादा जो बिजली चोरी के मुकदमे वो एक कम्युनिटी पे लगे, सबसे ज़्यादा जो गऊकशी के मुकदमे लगे वो एक कम्युनिटी पे लगे, सबसे ज़्यादा जो चोरी के या दिगर मामलात थे या एनकाउंटर हुए वो एक समुदाय के हुए, जो ठोकों की नीति थी वो एक समुदाय पे थी। हमारा दिल बहुत परेशान रहा इन 5 साल के दरमियान कि हमारी औरतें सो रही और सुबह 4 बजे 5 बजे बिजली के कर्मचारी सीढ़ी लगाकर वो एक समुदाय विशेष के लोगों के घरों में घुस गए, क्योंकि सरकार हमारी नहीं थी। क्या बिजली चोरी इसी इलाके में हो रही है? क्या पुल पार बिजली चोरी नहीं हो रही है क्या? और अखिलेश यादव को हम क्यों वोट कर रहे हैं? मेरा एक टीवी डिबेट में मेरा प्रश्न हुआ एक एंकर साहब से, मैंने कहा कि पहले राम मंदिर में उलझाया, नोटबंदी में उलझाया, अब मथुरा में उलझा रहे हैं। एक चीज़ के साथ मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि मस्जिद की बात कर ना शिवालय की बात कर, मस्जिद की बात कर ना शिवालय की बात कर, पेट पड़ी है पेट में सलवटे बस निवाले की बात कर। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, भाई नारे नहीं, कह रहे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जितना राशन गरीबों को दिया शायद ही पूर्व की सरकारों ने दिया, या अगर कोई और सरकार होती तो दे पाए। आप जिस जगह खड़े हैं या पूरे जिले में मैक्सिमम बीपीएल के कार्ड, अंत्योदय के कार्ड हम लोगों ने मेहनत करके बनवाए। कैसे पहले राशन नहीं मिल रहा था? क्या आप राशन के नाम पर वोट चाहते हैं? क्या ये लोग गंगा में बहती हुई लाशें भूल जाएंगे? क्या ये लोग उन लोगों को भूल जाएंगे कि एक समुदाय को बिजली चोर बना दिया, एक समुदाय को जिस पे चोरी का ठप्पा लगा दिया, क्या ये लोग भूल जाएंगे? अखिलेश यादव जी ने कहा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आज अगर 3 महीने पहले बिजली के रेट आधे कर रहे तो क्या इन्हें 5 साल पहले बिजली के रेट आधे नहीं करने चाहिए थे? 300 यूनिट अखिलेश यादव जी ने कहा कि बनते ही मैं अपनी सरकार का पहला एजेंडा 300 यूनिट बिजली के मिलेंगे, 15 दिन के अंदर गन्ना भुगतान होगा, और जो शिक्षा, जो हमारी रिटायर्ड शिक्षक हैं, जो राज्य कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन का काम खत्म करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसे बहाल करेंगे। क्या एक बच्चा जा रहा है उसमें मास्क नहीं है, उसका 100-200 का चालान? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हमारे पीएम साहब या दिगर बड़े नेता वो मास्क लगा रहे हैं क्या? यहाँ जिस जगह आप खड़े हैं या 90% से ज़्यादा टीकाकरण करा रखा है हम लोगों ने, तो एक समुदाय को अलग करना ये नीति नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक और कहना चाहूँगा, ये बशरे लोग खड़े हैं, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में इन दाढ़ी वाले उलेमाए का ही सबसे बड़ा योगदान है।
सन 1866 में दारुल उलूम के पहले जो तालिबे इल्म थे शेखुल हिंद साहब, जिन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, आज इतिहास को बदला जा रहा है। इसलिए इस सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि जिन्होंने देवबंद के दारुल उलूम की बात की, तो देवबंद में एटीएस कमांड सेंटर भी योगी सरकार ने करा दिया, और दूसरी बात आपने करी कि बिजली चोरी में एक समुदाय को परेशान किया गया जी। प्रदेश में 5 साल से विधायक है संजय गर्ग, क्या उन्होंने आपकी समस्या नहीं सुनी? बिल्कुल सुनी। सबसे ज़्यादा प्रश्न विधानसभा में अगर पूरे उत्तर प्रदेश में किसी विधायक ने की है तो वो मात्र संजय गर्ग रहा। दूसरी बात, मैं मानता हूँ जब मुझे लड़ाई बड़ी लड़नी है, मुझे बड़ी ताकतों को हराना है, तो उसके लिए मेरा संजय गर्ग साहब से कोई दिक्कत मुझे हो सकती है, मुझे दिगर किसी पार्टी के नेता से दिक्कत हो सकती है, लेकिन बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए हमें बड़ी सोच रखनी होगी। हमें सबको अखिलेश यादव बनना पड़ेगा, हमें सबको संजय गर्ग बनना पड़ेगा, हमें साइकिल पर वोट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो सौर समाज को लेकर चलता है उसी का वो ही सबको साथ लेकर चल सकता है। चलिए, और भी लोग हैं, आप ये बताइए क्या देख रहे हैं 2022 के चुनाव में सहारनपुर का विधायक आखिर कौन बन रहा है? संजय गर्ग जी बन रहे। संजय गर्ग बन रहे, कारण क्या रहा? विकास कार्यों के नाम पर, उनके नाम के नाम पर, उनकी शक्ल के नाम पर बहुत पार्टी को वोट दे रहे हैं अखिलेश जी को। संजय गर्ग का वर्चस्व नहीं है? नहीं, संजय गर्ग जी का है। आपने कहा पार्टी को वोट दे रहे किसी एक को, वो उस पार्टी में है ना? पार्टी में है ना। अच्छा, पार्टी में जिसमें भी जाएं संजय गर्ग तो उनको दे देंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी को देंगे। समाजवादी को देंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर बात की जाए पूरे प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं आपस में टक्कर हो गई है। कह रहे योगी वर्सेस अखिलेश हो गया, सहारनपुर में संजय गर्ग वर्सेस राजीव गुंबर हो गया। क्या राजीव गुंबर भी 2014 में विधायक रहे, क्या उन्होंने काम नहीं करा था? बताओ जी, चलिए क्या होगा? यहाँ तो किया नहीं कोई काम। यहाँ तो जो काम करने वाले हैं हमारे बड़े भाई, जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं मंसूर बदर साहब, ये हमारे हमें किसी विधायक पे, किसी MLA पे जाने की या किसी MP पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो जो काम होता है ये करवा देते हैं। हमारा काम जितनी जल्दी हमारा काम होता है, इतनी जल्दी किसी का काम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं यानी कि संजय गर्ग की आवश्यकता नहीं है? हमें मंसूर भाई के होते हुए संजय गर्ग की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्तमान विधायक जो है हमारे संजय गर्ग हैं, जो हमारे वर्तमान विधायक है वो संजय गर्ग है। आदमी बढ़िया है, पूरा मुस्लिम समाज पूरे सहारनपुर का अखिलेश उनके संजय गर्ग जी के साथ है। अब देखना यह है कि उनको हिंदू वोट कितने मिलते हैं, और मैं फिर दोबारा से जिस तरह से हमने गठबंधन से उनको विधायक बनाया था, जिता के भेजा था, इस हिसाब से अब मैं दोबारा जीतता है नहीं, लेकिन वोट हमारा सारा जितने भी मुस्लिम हैं सब समाजवादी पार्टी को है, संजय गर्ग जी को है। आपने कह दिया मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को है। असदुद्दीन ओवैसी मैदान में है, कह रहे मुस्लिम वोट मेरा है, आखिर क्यों? वो हैदराबाद मिलेगा उनको, सहारनपुर में नहीं मिलने का। UP के अंदर उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई उनको जानता। देखो अभी मैं तुम्हें एक वीडियो दिखा दूँ, उसमें 3-4 बेटे के आपने मुझे गाली दिलवा दी, आपने भी देखा होगा ये यार, तुमने मुझे गाली दिलवा दी, मैं आपको क्या कहूँ? उसमें राजभर जी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद हैं और हमारे ओवैसी साहब हैं, ये तो सब ये समझ लो कि एजेंट बनने वाला काम है, लेकिन जो मजबूत पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर जो BJP को हरा सकती है तो सिर्फ समाजवादी है। और यहाँ पे जो विधायक है बहुत सुलझे हुए हैं और काफ़ी टाइम से राजनीति में जो है संजय गर्ग जी हैं, और इसके अलावा कोई और नहीं है। आपने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई टक्कर दे सकता है समाजवादी है, क्या बहुजन समाज पार्टी नहीं रही? वो तो ख़त्म हो गया, उनका तो हत्ती की तो हवा निकल गई, हत्ती तो उड़ गई। BJP की बी टीम है, ये बात इमरान मसूद साहब भी कहते थे, जब हमारे हजीज फजलुर रहमान जो हमारे सांसद हैं उनके इलेक्शन में ATC वाले बाबा कहा उनको, आज उनका वो समर्थन कर रहे हैं, या उस पार्टी में जाए या ना जाए, लेकिन हमारा तो यही कहना है कि इमरान मसूद को भी जो है समाजवादी में रहना चाहिए। आने वाले टाइम में हम उनको MP बनाएंगे, क्योंकि हमारे दिलों की धड़कन है, जान है हमारी। और वो तो गए थे लेकिन समाजवादी ने उन्हें अपनी तरफ नहीं लिया। नहीं लिया है, लेकिन वो जो हिसाब से वो चलते हैं, देखो किसी की मेहनत, किसी की 12 साल की मेहनत है, वो उस जगह टिकट मारने लगे एकदम आते हैं, 2 दिन में 12 साल की मेहनत थोड़ा ही बेकार कर देंगे। बाकी सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, और देखो सब सोचते हैं कि मुझे फला जगह से टिकट। चलिए, लोग और भी हैं करके, आप बताइए भाई साहब कौन है आखिर आपके दिल में, सहारनपुर का विधायक कौन बेहतर लगा? वैसे तो संजय साहब ही हैं, मेहनत करी उन्होंने, काम भी बहुत करा, ऐसी बात नहीं, अपने वाले टाइम में, और चाहने वाले भी बहुत हैं यहाँ संजय गर्ग साहब के,
बहुत लोग चाहने वाले हैं शुरू से ही, इसीलिए उन्होंने फुल बहुमत से जिताया था। और अब भी इंशाल्लाह कोशिश यही है सबकी, जितने भी यहाँ के लोग हैं माहिगीर मिरादरी के और ये अंसारी लोग जितने हैं मंसूर भाई के साथ हैं सब, और कोशिश यही है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कराई जाएगी पूरी इंशाल्लाह। चलिए हाँ जी सर, आप बताइए जी मौलाना साहब, क्या देख रहे हैं अब की बार सहारनपुर में? बार समाजवादी, समाजवादी है संजय गर्ग, संजय गर्ग जो संजय गर्ग है समाजवादी, समाजवादी संजय गर्ग, समाजवादी और संजय गर्ग दोनों के एक हैं। चलिए टक्कर की अगर बात करें, राजीव गुंबर की अब की बार टक्कर है मैदान में, क्योंकि कहीं ना कहीं कह रहे बीजेपी का वोट एक तरफा लेकर जाएंगे, मुस्लिम वोट को भी अपनी तरफ कर लेंगे। इंशाल्लाह आपके कामयाबी मिलेगी समाजवादी को, जहाँ हमारे संजय गर्ग हो। अच्छा संजय गर्ग का आपने नाम लिया, व्यक्ति कैसे हैं, क्या लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं? क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे कि कोरोना काल में घरों से बाहर नहीं आए। वो बात तो कुछ लोग मुखालफत भी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मुखालफत भी करते हैं आदमी, लेकिन मामला बिल्कुल पक्का है, संजय गर्ग की सीट बिल्कुल पक्की है समाजवादी से। व्यापारी का व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, व्यापारी परेशान हैं, कह रहे हैं उनकी आवाज़ नहीं उठ पाई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लकड़ी के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने बहुत विधानसभा में बहुत सहयोग कराया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। हमारे संजय गर्ग साहब बहुत काम आते हैं लोगों के, मुखालफत होती है। खैर सवाल ये है कि 2022 में सहारनपुर से राजीव गुंबर और संजय गर्ग भी आपस में मैदान में हैं, अब की देख सकें, अब आप किसे देख रहे हैं? हम तो संजय गर्ग जी को देखेंगे, समाजवादी पार्टी। 5 साल से विधायक हैं, जनता के बीच आए, उनकी समस्याएं सुनी, कोरोना में मदद करी या नहीं करी? बहुत कुछ करा जी उन्होंने, बहुत कुछ करा, मगर कराने वाले उनसे हमारे मंसूर भाई हैं, वे उन्हीं की जुट है आपस में सबकी।